बरसात के मौसम में जांजगीर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क काफी खराब हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पामगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत पनगांव से सेंद्री तक की सड़क बदहाल हो गई है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कीचड़ से सराबोर ये सड़क ग्राम पंचायत पनगांव से सेंद्री के बीच की है, जिसकी हालत इन दिनों पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जांजगीर जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस सड़क की बदसूरती को दूर करने को लेकर प्रशासन जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की समस्या को लेकर प्रशासन उदासीन बना हुआ है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस गांव का निवासी हूं, आज मुझे लगभग 42 साल हो गए हैं, लेकिन इन 42 सालों में इस रोड को मैंने आज तक कभी बनते हुए नहीं देखा। इस रोड के बारे में 6वां महीना में जन समस्या शिविर में मैंने खुद आवेदन दिया था। इस आवेदन में साफ लिखा हुआ है कि एक सप्ताह के भीतर कार्य किया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ये रास्ता सेंद्री से पनगांव आते हैं, पनगांव के ओ पार पक्की रोड है, सेंद्रियों में पक्की रोड है, लेकिन पनगांव और सेंद्री के बीच वाला रोड है ना, पूरा कच्ची रोड है। एकदम ना आए जाए में बहुत समस्या होते, बहुत तकलीफ होते। छोटे छोटे जो शॉर्टकट रास्ते हैं, उन सबको भी सुधारीकरण करना चाहिए, क्योंकि जब ये इतना शॉर्टकट है कि अगर कोई बाइक आया या कोई भी आया तो दो बाइक या एक बाइक अगर पार हो रहे हैं तो अगर फिसले इस रास्ते से तो उस साइड में खेत है, खेत में जाके गिरेंगे, या इस साइड में फिसले तो इस साइड अब वो नहर में जाके गिरेंगे। तो ये थोड़ा सा सरकार को और बाकी लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। लोग चाहते हैं कि इस सड़क को सुधारने में प्रशासन जल्द से जल्द दिलचस्पी दिखाए, ताकि उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।